वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैचिंग। तो देखिए किस तरीके से हमने ग्रीन बटन प्रेस किया तो ये लैंप मेरी ग्लो हो गई है विद द हेल्प ऑफ रिले। तो इस रिले को हमने होल्डिंग में ज्वाइन किया है इस लैंप एनओ और एनसी के साथ। तो देखिए जैसे मैंने एनसी प्रेस किया तो मेरी लैंप ऑफ, एनओ प्रेस किया लैंप ऑन, ऑफ ऑन ऑफ। तो हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से ये लैचिंग सर्किट बनेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग टेकीबस। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक होल्डिंग और लैचिंग सर्किट बनाएंगे। सो हम क्या बनाने वाले हैं, होल्डिंग और लैचिंग सर्किट विद द हेल्प ऑफ रिले और PLA रिले। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक रिले है वो है डबल पोल डबल थ्रो और 8 पिन रिले। सो यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख पा रहे हैं। सो यहाँ पर आपने इसका डायग्राम देखा। सो इस रिले के ऊपर जो आपका डायग्राम है वो कुछ 8 पिन का डायग्राम है। तो हमें 8 पिन के डायग्राम को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो आपकी इस 8 पिन की नंबरिंग शुरू होती है वो क्लॉकवाइज शुरू होती है, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम और क्लॉकवाइज। तो यहां पर 1 और 8 और यहां पर आप डायग्राम में देखेंगे तो 2 और 7 जो है आपकी वो एनर्जाइजिंग कॉइल के लिए है और 1 और 8 आपके कॉमन है, 4 और 5 आपके एनसी है नॉर्मली क्लोज्ड है, ठीक है, और 3 और 6 आपके एनओ है। तो यहां पर आपका एक पोल तो आपका ये रहा और आपका अनदर पोल कौन सा है ये। तो हम यहां पर लिख लेते हैं पोल 1 और सेकंड पोल। तो यहां पर उसका जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा है 1 और एनसी कौन सा है 4 और एनओ कौन सा है 3। ऐसी पोल 2 के लिए लिख लेते हैं कॉमन पॉइंट 8, एनसी है आपका 5 और एनओ है आपका 6। तो हम इसको रिले को याद कर लेते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से ये वर्क करती है। जैसे ही आप इसकी कॉइल को एनर्जाइज करते हो 2 और 7 पे पॉजिटिव सप्लाई देते हो और 7 को ग्राउंड करते हो, सो होता क्या है कि इसके अंदर कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो क्या होता है, ये अपने तरफ एक और मेटल प्लेट को अट्रैक्ट करती है। तो मेटल जब प्लेट को अट्रैक्ट करती है तो कुछ इस तरीके की यहां पर एक सर्किटरी है। जैसे ही वो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, एक तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जो मेरा एनसी टर्मिनल था वो ये प्लेट जो है इससे डिटैच होके वो किससे अटैच हो जाती है, मेरे एनओ से। तो कुछ इस तरीके से वो अटैच हो जाती है। तो इस तरीके से यहां पर मेरा स्विचिंग होती है एनसी से एनओ में। तो इसी का हम यूज करेंगे यहां पर कि किस तरीके से हम इसको लैचिंग करेंगे ताकि हम अपना एक बार पुश बटन प्रेस करें तो वो हमेशा ऑन रहे और उसको पावर कट करने के लिए हम एनसी जब प्रेस करेंगे तो वो डिटैच हो जाएगा और उसी के थ्रू हमारी अनलैचिंग हो जाएगी। सो अब उसकी हम वायरिंग देखते हैं कि किस तरीके से हम वायरिंग करेंगे और लॉजिक देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको लॉजिक डिजाइन भी करेंगे। सो सबसे पहले हम यहां देखेंगे उसका लॉजिक डायग्राम। छोटा सा लॉजिक है कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से उनको लैचिंग करनी है सिर्फ इस रिले की हेल्प से। तो बहुत सी वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि मैं ही पहली बार डाल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं
अच्छे से समझाने के लिए मेरी तरफ से कोशिश है, तो आप एक बार इसको पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो भी हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप उनको देखें, और क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे इसका लॉजिक डायग्राम। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल लाइन या पॉजिटिव। देखिए ये एसी के लिए भी सेम है और डीसी रिले के लिए, दोनों के लिए यही सेम है। तो हम लाइन या पॉजिटिव से लेके क्या करेंगे, एक एनसी बटन पे जिसकी नंबरिंग है 1 और 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एनओ बटन लगाएंगे जिसकी 3 और 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कॉइल को एनर्जाइज करेंगे जो कि रिले की कॉइल है 2 और 7, और हमारे पास P1 जो क्या था, कॉमन NC और NO, इसको हम क्या यूज करेंगे, अपने होल्डिंग सर्किट के लिए, ताकि ये सर्किट होल्ड हो जाए। जो हमारे पास यहां पर DP DT है, यानी इसमें डबल पोल है और डबल थ्रो, तो हम यहाँ पर एक पोल किसके लिए यूज कर रहे हैं, होल्डिंग के लिए। तो जो है हमारे पास यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन अपना 1, NC कौन सा है यहाँ पर हमारे पास 4, और NO कौन सा है 3। तो हम यहाँ पर एक और NO किसका यूज करने वाले हैं होल्डिंग के लिए, कॉन्ट्रेक्टर का NO यूज करेंगे। ये एक उल्टा डायग्राम बना दिया मैंने, तो उसका 3 और उसका सॉरी 4 नहीं, यहां पर हम लेंगे 1, यानी 3 कौन सा है हमारे पास, उसका एनओ, और 1 उसका कॉमन। तो जैसे ही आप इसका क्या करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, ग्रीन बटन को, जो भी कि आपका एनओ है जो कि आप बाहर से सप्लाई दे रहे हैं उसके थ्रू, तो जैसे ही आप उसको सप्लाई देंगे तो क्या होगा, कॉइल एनर्जाइज होगी और अनदर सप्लाई जो यहां से सप्लाई जा रही है वो इसके थ्रू कंटिन्यू इसमें कॉइल में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तो ये Q1 का NO है, इसको हम लिख लेते हैं Q1 का NO। अब हम इसको देखने के लिए कि हमारी जो रिले है ये होल्ड हुई है या नहीं हुई है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पोल पर क्या करते हैं, पोल 2 पर हम एक लैंप को ज्वाइंट करते हैं। हमने यहां से एक लाइन ले ली, पॉजिटिव सप्लाई आ गई यहां पर, एक हमने क्या करा यहां पर एक अपनी लैंप L1 ले ली या कोई भी एक इंडिकेटर ले लिया। फिर हमने क्या किया, उसको एक NO के थ्रू क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो वो NO कौन सा है हमारे पास, P2 है। P2 में कॉमन पॉइंट कौन सा है, एक है आपके पास 8, 1 और 8 मैंने बताए थे आपको, और NC और NO। तो NC कौन सा है वहां पर, यस कौन सा है NC आपके पास, 5, और NO कौन सा है आपके पास, 6। तो आप क्या करिए, 6 और 8 को जो कि आपका कॉन्ट्रेक्टर का NO है नेक्स्ट पोल का, यानी आपके पास डबल पोल थे जो कि आपने एक पोल किसके लिए यूज कर लिया, होल्डिंग के लिए, और दूसरा पोल किसके लिए यूज कर रहे हो, एज अ आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसकी वायरिंग देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको वायरिंग करेंगे। अगर मैं इस वीडियो में वायरिंग करूंगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं उसकी वायरिंग आपको इसी पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप उसकी वायरिंग करेंगे, जो कि आपकी जी ये जो रिले है ये लगती है आपकी एक बेस के ऊपर। तो बेस के पिनआउट जो है वो भी मैं आपको बताता हूं अभी। आपका जो बेस पिन आउट होता है, जो बेस है उसके ऊपर उसका जो पिन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, इस तरीके से आपका कनेक्टेड होता है। तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। जैसे कि आपने देखा था पहले भी हम क्या था क्लॉकवाइज ही जा रहा था डायरेक्शन, इसमें भी सेम इसी तरीके से क्या होता है क्लॉकवाइज ही पिनों का डायरेक्शन होता है। तो ये इससे कनेक्टेड होती है, ये इससे, ये ऐसे, अगेन इस तरीके से ये इसके इंटरनली अटैच होते हैं सारे आपके पिन्स। तो सेम एज इट इज जैसे हम वहां कर रहे थे, यहां पर भी सेम वही है कि हम जो सप्लाई देंगे वो इसमें और इसमें देंगे अपनी पावर सप्लाई जो इसको एनर्जाइज करेगी। सो हमने जो अपना प्रीवियस डायग्राम देखा था उसके हिसाब से अब हम इसको वायरिंग करेंगे बिना बेस को। सो यहां पर हम लिख लेते हैं सर्किट वायरिंग। सो यहां पर हमारे पास क्या क्या है, एक एनसी, एक एनओ, उसके बाद आपके पास ये एक बेस है, जो कि आपने इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ इस तरीके से ये आपका सर्किट है। तो क्या करने वाले हैं, यहां पर हमने ये लाइन और पॉजिटिव दिया, इस पॉजिटिव से हमने सबसे पहले किसको कनेक्ट किया, एक रेड बटन को, जो कि हमारे पास ये रेड बटन है। हमने इसको पहले से ही प्री वायरिंग कर दी है ताकि आप वीडियो में ना करनी पड़े, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डायग्राम समझा रहा हूं उसका। तो ये रेड बटन एनओ को हमने कनेक्ट किया, हमेशा एनसी से एनओ, सॉरी ये हमारे पास एनओ है, हमेशा एनओ से पहले ही आप अपने एनसी को कनेक्ट करा करिए। तो एनओ से पहले हमने एनसी कनेक्ट किया, अब एनसी के बाद ये कहा जा रहा है हमारे पास टू में, और टू से निकल के सेवन में जाने के बाद ये आपका ग्राउंड और न्यूट्रल पे चला गया। ओके, अब हमें करना क्या है, लैच करना है। तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है हमने इसको किस लिए यूज करने वाले हैं, लैचिंग के लिए। तो हम इसको रब कर देते हैं, अभी समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया था, अभी हम इसको रब कर देते हैं। तो ये हमारा एनओ है और ये हमारा एनसी है, ये हमारा एनसी है, ये हमारा एनओ है, ये कौन सा है पी टू, ये है पी वन और ये कॉमन है। उसके बाद हमें क्या करना था, यहां से एक सप्लाई आएगी और वो आपकी कहां जाएगी, वन में, कुछ इसी तरीके से तो था हमारे पास लैचिंग करने के लिए। ये था आपका थ्री, ये था फोर, या तो आप इसको वन थ्री कर दें या आप इसको थ्री या वन कर दें, दोनों सेम ही है। तो हमने इसको क्या किया, जो हमारे पास ये थ्री वाला टर्मिनल है वो हमने किस पर दे दिया, वन पर, और जो हमारा एनओ का यानी पोल वन का जो थर्ड वन है वो हमने किसको दे दिया, फोर्थ में। ओके, तो ये हमारा बन गया अभी लैचिंग। अब हमें क्या चाहिए, एक और आउटपुट, यानी हमें लैंप को ऑपरेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, हम यहां से एक पावर सप्लाई देंगे इधर, और उसके बाद हम इसको देंगे एनओ में और ये कॉमन से कनेक्ट कर दिया। सो ये अब जब हम इसको वायरिंग कर लेंगे तो कुछ इसका ऑपरेशन इस तरीके से होगा जो हम अभी करके देखते हैं। इसको अब यहाँ पर रिले को कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे ही मैंने ग्रीन वाला बटन प्रेस किया तो देखिए मेरा ये एलईडी ऑन हो गया, यानी मेरा सर्किट लैच हो गया। और जैसे ही मैं रेड बटन पावर सप्लाई काटूंगा तो देखिए, या मैंने पावर सप्लाई कट करी तो ये मेरा सर्किट क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब मैं एक बार बटन प्रेस, अब मैं जितनी भी बार इस बटन को प्रेस करूंगा ग्रीन को, तो ये हमेशा लैच ही रहेगा। अब मैं इसको कितनी भी बार प्रेस कर लूं ये ऑफ नहीं होगा,
क्योंकि मेरा जो सर्किट है वो इस रिले की हेल्प से क्या हो चुका है, लैच हो चुका है, यानी होल्ड हो गया। अब ये होल्डिंग सर्किट हो गया, और मैंने इसको जैसे ही रेड बटन को प्रेस किया, वो क्या हुआ, ऑफ हो गया। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर होल्डिंग करी है अपने सर्किट की। और देखते रहिए हमारी वीडियोस को, आगे की वीडियोस में भी हम कुछ अच्छा ही लेके आएंगे जिससे आपको हेल्प मिले। तो देखते रहिए टैकी बस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियोस को। थैंक यू।